हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। माय नेम इज विकास चार एंड यू आर वाचिंग दी वी 1 2 3 लेट्स गो। जैसे कि आप मेरे देख रहे होंगे, मैं किचन में खड़ा हूं और मैं आज इस हब की वीडियो बनाने जा रहा हूं जो हमारा चूल्हा है और ये इसे हब बोला जाता है। इसकी मैं आज वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैंने इस चिमनी की वीडियो बनाई थी जो ऑटो क्लीन थी। इसकी सारी डिटेल्स मैं अपने चैनल में दे चुका हूं। अगर किसी को इसकी वीडियो देखनी है तो चैनल में जाके वीडियो देख सकता है। पर आज मैं हब की वीडियो बनाता हूं और इस हब के बारे में आपको बताता हूं कि ये चूल्हा कैसा है और कौन सी कंपनी का है। दोस्तों, ये जो इसे बोलते हैं हब, और ये जो लगता है पत्थर के अंदर लगता है, आप जो देख रहे हो ये मैंने फैबर कंपनी का लिया है। और जो हमारी चिमनी थी वो भी फैबर कंपनी की ही थी। और जो ये फैबर कंपनी का लिया है, बहुत साल हो गए हैं इसको। मैं आपको बताऊं तो कम से कम 10 साल हो गए हैं। एक 10 साल के अंदर हमने इसके अंदर क्या चेंज किया हुआ है मैं बताता हूं, और ये कैसा 10 साल तक चला है इस कंपनी का और कैसा ये हमें लगा है। ये वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा है। इसके अंदर 4 आपको स्टॉप दिए जाते हैं और चारों के बटन जो होते हैं वो साइड में होते हैं। ये पुराना होने की वजह से इसके बटन्स पे जो होते हैं यहाँ पे निशान होता है जहां से जिस साइड स्टार्ट होता है, पुराना होने की वजह से कि वो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का निशान होता था वो मिट चुका है। पर ये बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा है और ये पत्थर के अंदर फिट हो जाता है कुछ इस तरह। ये देखो, आपको दिखाता हूँ, ये पत्थर के अंदर फिट होता है बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत अच्छी तरह से फिट होता है और बहुत चलाने में बहुत इजी कंफर्ट और इलेक्ट्रिक, ये बिजली से चलता है और बहुत अच्छे ढंग से। ये देखो, जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ, ये जैसे ऑन किया ये हमारा चल गया। ये निशान इस तरफ था तो ये वाली गैस चली है, अगर ये वाली निशान इस तरफ है तो हमारी ये वाला चूल्हा चलेगा। जैसे कि फिर मैं आप सेकंड नंबर वाला चला के दिखाता हूँ आपको। देखो, बस इसको घुमाना है और प्रेस करना है और सीधा आपका चूल्हा चल जाएगा। सबसे तेज ये वाला है, उसके बाद मंदे वाला ये है। मैं आपको सारे एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ जैसे कि आपको भी पता चल जाए कि हाँ ये कैसे हैं। ये देखो, सबसे तेज, उससे थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा ठीक ठाक, ये 4 हमारे होते हैं मैक्सिमम। सबसे तेज जो हमारा चलता है ये वाला चलता है जो बहुत तेज चलता है। ये 4 एक बारी में आप 4 चीजें कर सकते हो उस पर। एक जगह सब्जी बना सकते हो, एक जगह आप रोटी बना सकते हो, दूसरी दाल बना सकते हो, या आप एक ही बारी में 4 चूल्हों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, सफाई इजी की जा सकती है। पर मैं एक चीज और बता दूं, जब इसके अंदर दूध निकलता है बहुत बुरा हाल हो जाता है। सबसे बुरा हाल तब होता है जब इसमें दूध निकलता है। ये आप चीजें हटा के देखोगे, ये देखो, ये दूध जो निकलता है, मैं एक बार लाइट ऑन करता हूँ यहाँ की। देखो, जो दूध निकलता है वो इसके अंदर फंस जाता है कई बार, जो थोड़ा मैला हो जाता है, जो क्लीन करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इन गैसों की जो हब होते हैं, इसकी सबसे डिसएडवांटेज यही है कि तुमको कोशिश करनी है कि इसके अंदर दूध या चाय हमारी ना निकले, क्योंकि हमारे घर में तो दूध चाय हमेशा निकलती ही रहती है, पता नहीं क्यों। और ये सब चाय इसके अंदर घुस जाती है। इसके अंदर एक हब होता है, ये शीशा उठता है यहाँ से और ये क्लीन करने आता है, तो ये सारी हटते हैं, खुलते हैं, उसके बाद फिर शीशा हटता है, फिर इसके अंदर ये जाम हो जाता है। इसका खर्चा भी ज्यादा आता है। बाकी ये बहुत अच्छा है और आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सालों से इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सीधा डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रिक है, अगर लाइट होगा तो चलेगा, लाइट नहीं होगा तो आपका ये आप माचिस से या फिर अपने लाइटर से आप इसको ऑन कर सकते हो। जैसे हमारे घर में लाइटर भी है, अगर आप लाइट चले जाती है तो इससे इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ये इन्वर्टर की लाइट होगी, बस लाइट आना चाहिए, उसमें करंट आना चाहिए, वो करंट नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं। पर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, इसमें कोई कमी नहीं है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में डाउट क्वेश्चन कोई हो तो पूछ लेना। इसकी मैंने आपके डिटेल सारी बता दी है।